गुलबर्गा शहर में केएनजेड फंक्शन हॉल के अपोजिट सैयद अकबर हुसैनी कॉलोनी में राबिया बेकरी ओपन हुई है, जिसका इनॉग्रेशन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान साहब के हाथों किया गया है। इस इलाके में बेकरी की जरूरत को महसूस करते हुए ताफिया फैमिली से जनाब मोहम्मद वाजिद और मोहम्मद माजिद ने मिलकर इस बेकरी को ओपन किया है। इस बेकरी में आपको बर्थडे केक, कोल्ड ड्रिंक, एग पफ, स्नैक्स, चॉकलेट्स, समोली, पिज्जा, बर्गर, बफेलो मिल्क और दीगर ढेर सारे आइटम्स अवेलेबल मिलेंगे। इस इनोग्रेशन के मौके पर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान के अलावा कॉर्पोरेटर अजीम शिरनी फरोज, कॉर्पोरेटर अयाज खान, गुलबर्गा हेडलाइंस वसीम शेख, मौलाना अब्दुल रजाक, वाजिद अन्नाराय, मोइनुद्दीन, साजिद अली रंजोली, मोहम्मद अमजद, शेख उवेस, जाकिर और मोहल्ले के तमाम लोगों के अलावा दीगर कई खास मेहमान इस बेकरी के इनोग्रेशन में शिरकत किए थे। तमाम लोगों ने न्यू बेकरी इनोग्रेशन के मौके पर मोहम्मद वाजिद और मोहम्मद माजिद के अलावा पूरी ताफिया फैमिली को मुबारकबाद पेश की है। और मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज केएनजेड के रूबरू सामने राबिया बेकरी के नाम से हमारे मोहम्मद माजिद साहब और हमारे वाजिद साहब, ताफिया सेठ जो वालिदा के नाम से जो है ना इस बेकरी का इफ्तिताह करे हैं। मैं माजिद को और मोहम्मद वाजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिली को जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कपड़ों का कारोबार है उनका, इसमें बेहतरीन कलेक्शन से टाफिया कलेक्शन से मशहूर है। आज एक नया जो है ना कॉन्सेप्ट लाए हैं कि बेकरी उनके घर के बाजू में है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन जो है ना यहाँ पे पिज्ज़ा है और चिकन समोसे हैं, ऐसे कई वैरायटी जो है ना रखे हैं जो फेमस बेकरी से लिए हैं। आप आकर यहाँ पे उसका टेस्ट करें और मैं तमाम जो है ना टाफिया कलेक्शन वाले तमाम ब्रदरान को जो है ना फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला जो है ना उनके कारोबार में बरकत दे, ताकि जो है ना उनके जो कलेक्शन से जो बेकरी में आए हैं और ऐसे कई कारोबार और बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला उनके जो है ना कारोबार में बरकत दे और जो है ना तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज केएनजेड फंक्शन हॉल के सामने राबिया बेकरी के नाम से एक इनोग्रेशन हुआ है। मैं इस मौके पर वाजिद ताफिया और माजिद ताफिया साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुलबर्गा में ताफिया ड्रेसेस के नाम से ये लोग काफ़ी अपना बिजनेस को बढ़ा चुके हैं और साथ ही किड्स वेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा नाम कमा रहा है। उसके साथ में यहाँ पर बेकरी के वेंचर यहाँ पर एक ओपन हुआ है, क्योंकि केएनजेड फंक्शन हॉल के आसपास के इलाकों में एक अच्छी बेकरी की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ के लोगों को जब भी बेकरी आइटम परचेस करना होता था, कहीं दूर जाकर उनको यहाँ से सामान खरीदना होता था। यहाँ के लोगों की ज़रूरत को महसूस करते हुए वाजिद ताफिया और माजिद ताफिया साहब ने एक बेकरी का इनोग्रेशन यहाँ पर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स है, केक है, यहाँ पर अच्छे वैरायटी के चॉकलेट्स हैं और स्नैक्स में भी ढेर सारे आइटम्स यहाँ पर लाए गए हैं। समोली है, पिज़्ज़ा, बर्गर, तमाम चीज़ें जो बच्चे पसंद करते हैं, अच्छी क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन करते हुए तमाम चीज़ें यहाँ पर सेल की जा रही हैं। तो केएनजेड के आसपास के तमाम इलाके के लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप जब भी बेकरी आइटम खरीदने के सोचेंगे तो राबिया बेकरी को ज़रूर विजिट करें। कम प्राइस में आपको बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा। इस मौके पर आखिर में फिर एक बार वाजिद भाई और माजिद भाई को मुबारकबाद देता हूँ। आज राबिया बेकरी का इफ्तिताह अमल में आया है। ये जो राबिया बेकरी है केएनजेड के सामने, जो एक शानदार पैमाने पर एक फ्रेश जो है ना आपको पिज़्ज़ा और तमाम जो है ना समोली,
समोसे तमाम आसाम के जो है ना फास्ट फूड के टाइप में जो है ना यहाँ पे जो है ना मिलेंगे आपको 24/7। यहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ ये 12 बजे तक चालू रहती है बेकरी आपको जो है ना इस शहर में जो KNZ के बाजू में जो है ना एक ज़रूरी हम महसूस कर रहे थे कि एक अच्छी सी बेकरी हो। यहाँ पे छोटे मोटे होटल चल रहे थे लेकिन एक शानदार पैमाने पर टाफिया ग्रुप जो वाजिद भाई टाफिया और जो है ना माजिद भाई टाफिया अन्य ग्रुप मिलकर जो है ना ये बेकरी डाले हैं। उनके जो वालदा का नाम है जो राबिया जो नाम है उनके वालिदान के नाम पे रखे हैं। पहले उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस बेकरी में जो है ना बरकत अता फरमाए उनके खैर करे कारोबार में बरकत दे। सबसे पहले मैं हमारे मोहम्मद वाजिद साहब को और मोहम्मद माजिद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है इस मोहल्ले की नौयत को देखकर कि इस मोहल्ले के अंदर बेकरी की सख्त ज़रूरत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने यहाँ पर इस बेकरी का एक बेहतरीन तिजारत का एक नमूना रखा है। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मौके पर लोग देखना चाहिए कि दूर जाने से बेहतर है कि करीब में आकर इस चीज़ को देखकर यहाँ से अपनी चीज़ों को ज़रूरत को ख़रीदें ताकि इनकी तिजारत में और इजाफा हो। मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में मज़ीद तरक्की अता फरमाए दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्यात से माला माल करे। अल्लाह नज़र बस से इन दोनों की और इनके कारोबार की इनके सारे ख़ानदान अफराद की मुकम्मल हिफाजत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KNZ के सामने राबिया बेकरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के नईम खान के हाथों से आज इफ्तिताह अमल में आए। आज KNZ के आतराफ लोगों और यहाँ का माहौल को देखते हुए टाफिया जो अपना एक मनफरद गुलबर्गे में नाम कमाया तो यहाँ हालात देख के इसलिए ये बेकरी के इफ्तिताह इसमें लिए। लोगों का तकाजा था लोगों का डिमांड था कि यहाँ एक अच्छी से अच्छी बेकरी होना चाहिए था क्योंकि यहाँ 3-4 फंक्शन हॉल भी है और लोकेलिटी भी हाई लोकेलिटी है उसके हिसाब से बेकरी होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं वाजिद भाई और माजिद भाई को अमीर दिल के घराने से मुबारकबाद देता हूँ। तमाम शहरियानी गुलबर्गा से इतला दी जाती है कि ये KNZ फंक्शन हॉल के अपोजिट राबिया बेकरी इफ्तिताह किया गया है नईम खान के हाथों हमारे खान साहब के हाथों। इस बेकरी की मुबारकबाद माजिद भाई और टाफिया हमारे वाजिद भाई ये दोनों की जेर निगरानी में ये बेकरी चल रही है और तमाम पफ और कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी के तमाम केक और ब्रेड आला क्वालिटी में अवेलेबल मिलेंगे। इंशाल्लाह आप लोग तमाम इस्तेमाल कर देखिए। हमारी ख्वाहिश है कि शहर गुलबर्गा में एक नई बेकरी इफ्तिताह की गई है और सारे लोग जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को इस बेकरी के आइटम का जायका मालूम होगा।